हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? घर पे ही हैं ना? हाँ, मुझे लगता है आप लोग घर पे ही होंगे। जी हाँ, हम भी घर पे ही हैं और बस वीडियोस एवरीडे आपके लिए बना रही हूँ, डाल रही हूँ। और भी बहुत सारे काम रहते हैं घर पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो ही बनाते हैं, और भी बहुत से काम होते हैं, वो भी सब करने होते हैं। तो आज की वीडियो आप देख रहे हैं, मैं अपने फेस आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज मैंने किया है फेशियल, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि की है रिक्वेस्ट खुशी गुप्ता ने। इन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, उसे भी मैंने फुलफिल किया, एंड नेक्स्ट उन्होंने फिर से की है फेशियल DIY नॉर्मल सॉरी ड्राई स्किन वालों के लिए बताना था। तो मेरी ड्राई स्किन ही है तो मेरे लिए तो बेस्ट था ये बनाना वीडियो। तो मैंने आज फेशियल की वीडियो डाली है और मैंने सारे इंग्रेडिएंट घर पे ही जो हमारे पास हैं वही यूज़ किए हैं, आपके सभी के पास आपको मिल जाएंगे इजीली। और ये जो फेशियल है ये आपकी पिगमेंटेशन को दूर करेगा, आपकी टैनिंग हो गई है तो उसे दूर करेगा, स्किन के ऊपर जो कालापन आ जाता है वो दूर करेगा, और स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोई बनाएगा। आप मेरा फेस देख सकते हैं कितना ग्लोई एंड क्लियर एंड क्लीन दिख रहा है ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर तीन स्टेप मैं आपको पूरा फेशियल कंप्लीट करके बताऊंगी। मैंने लिया है फर्स्ट स्टेप के लिए यानी क्लिंजिंग के लिए लिया है मैंने पटेटो, इसको मैंने कद्दूकस कर दिया है, एंड आप ये जो देख रहे हैं इसका मैंने जूस निकाल लिया है। ठीक है, जूस निकालने के बाद में अब हम इसमें एक इन्ग्रीडियंट और ऐड करेंगे, एंड ये जो हम जूस निकाल लेंगे फिर इसका जो ये गूदा होता है ना इसे फेंकना नहीं है, इसे हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस जूस के साथ में मैंने लिया है रॉ मिल्क। ये रॉ मिल्क एक चम्मच आपको ले लेना है यानी कच्चा दूध, इसे पटेटो जूस के साथ में इसको मिला दीजिए। बस ये दो इंग्रेडिएंट बहुत ही इनफ हैं आपकी स्किन से जितना भी कालापन है ना, टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, इन सबको दूर करने के लिए। तो बस आपको एक कॉटन पैड ले लेना है, कॉटन पैड को इसमें डिप करिए और बस ये जितना भी है ना जूस वो सारा कॉटन पैड सोख लेगा, और इसको आपको अपने पूरे फेस को इससे क्लीन करना है। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक करना है, मतलब 2 से 3 मिनट अगर आप अपने पूरे फेस पर इसे इस तरह से बस क्लीन करते रहेंगे फेस, तो फेस पे आप देखेंगे एक फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको स्किन इतनी ग्लोई लगेगी, एंड आपकी स्किन पे से जो भी टैनिंग है ना वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा वाला फेशियल है, इसे आप लोग सबके साथ शेयर करना, ये बहुत ही अच्छा है, इसे जेंट्स लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब के साथ में इसे शेयर करिएगा, एंड अभी आप देख सकते हैं अब आप फेस को वॉश कर लीजिए। एंड नेक्स्ट स्टेप आता है स्क्रब। स्क्रब के लिए मैंने जैसा आपको बताया ये पटेटो का अभी हमने जो निकाला था ना इसे फेंकना नहीं है, इसी से हम स्क्रब करेंगे। ये बहुत ही माइल्ड स्क्रब होता है, एंड यहाँ पर मैंने लिया है लेमन। लेमन की मैं इसमें 5 से 6 ड्रॉप इसमें डालूंगी, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, इसमें आप डाल के दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम करेंगे अपने पूरे फेस को स्क्रब। ये स्क्रब काफ़ी है, मतलब बहुत ही माइल्ड है, तो आपकी स्किन बिल्कुल भी हार्श नहीं होगी। एंड जो पटेटो है, आपको पता है पटेटो आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को और स्किन में जो भी डार्क स्पॉट्स हो गए हैं ना उसे भी रिमूव करता है एंड टैनिंग को हटाता है। और अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, समर तो हमारी स्किन में टैनिंग वगैरह आ ही जाती है ना, तो ये सब आपकी निकल जाएगी। यहाँ पर भी आपको कॉटन पैड लेना है वरना ये बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा और पूरा बिखर जाएगा, तो आप एक कॉटन पैड के ऊपर इसे ले लीजिए इस तरह से मैंने लिया है पूरा, और अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई करिए कम से कम 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल माइल्ड है ना, तो कोई भी स्किन को हार्श नहीं होगा, बट आपकी स्किन एकदम क्लियर एंड क्लीन हो जाएगी और ग्लोइंग हो जाएगी। तो ये पूरे हो गए हैं 5 मिनट, और अब मैं वॉश कर लिया है मैंने अपने फेस को, और अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप पर हम करने वाले हैं फेस पर पूरा मास्क लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिया 1 चम्मच बेसन और मैंने लिया है 1/2 टमाटर का गूदा, यानी टमाटर का जो जूस है वो तो ले ही लेंगे हम, साथ में जो अंदर का जो निकल रहा है ना गूदा ये भी हम इसमें डाल लेंगे। तो और थर्ड जो हम ले रहे हैं टर्मरिक, ये है कस्तूरी हल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पिंच लेना है आपको, 2-3 पिंच ले लीजिए, बस इनफ है इतनी। और इसके बाद में जो रॉ मिल्क है आपके पास बचा हुआ, उस रॉ मिल्क में इसको पूरा बैटर बना लीजिए, मतलब इसको पूरा आपको बना लेना है। अगर रॉ मिल्क नहीं है तो आप नॉर्मल रोज़ वाटर डाल दीजिए या फिर नॉर्मल पानी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना लिया है अच्छा वाला बैटर, और इसे आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी, ग्लोई एंड फेयर भी होगा, कलर भी साफ़ हो जाएगा, और स्किन के अंदर जो भी ब्लैकेंड्स एंड वाइटेंड्स है ना वो भी एकदम सॉफ्ट होकर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे फेस पर और नेक पर जितने भी मैंने आपको तीनों प्रोसेस बताए ना,
तीनों प्रोसेस आप अपनी नेक पर और पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद में आप खुद देखेंगे एक ही एप्लीकेशन में आपकी स्किन, आपका फेस इतना ज़्यादा फेयर एंड ग्लोई हो गया है कि आप इसे मतलब सप्ते में दो बार तो कर ही लेंगे। और ये बिल्कुल भी हार्म नहीं है, आप सप्ते में 2 से 3 बार इस फेशियल को बहुत ही आराम से कर सकते हो क्योंकि 3 स्टेप हैं और बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और घर पर आप चाहें तो किसी कोई भी एज ग्रुप का हो सब लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो नेचुरल चीज़ें होती है वो कोई भी हमारी स्किन को हार्म नहीं करती है। और ये ऑल स्किन टाइप है, ड्राई स्किन के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी बट ये ऑल स्किन टाइप है, आप लोग सब इसे यूज़ कर सकते हो, चाहे ऑयली स्किन हो चाहे कोई भी हो। बस ये है कि अगर सेंसिटिव स्किन वाले हैं शायद उनको लेमन सूट ना करे तो आप उन चीज़ को स्किप कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने अपने पूरे फेस, नेक और हैंड पे लगा दिया जो बचा था वो, एंड इसमें आपको वेट करना है 5 से 7 मिनट में ये हाफ़ ड्राई हो जाएगा, पूरा ड्राई नहीं करना, हाफ ड्राई करके और इसे आपको एज ए मसाज करते हुए मतलब आधे मिनट मसाज करिए और फिर आप ठंडे पानी से अपना पूरा फेस को वॉश कर लीजिए। अभी आप देख रहे हैं ये हो गया मेरा पूरा फेशियल कंप्लीट वाला एंड लिटरली बहुत ही ज़्यादा फेस क्लीन हुआ है। अब हमें ऐसे ही फेस को नहीं छोड़ना है, आप कोई भी टोनर है उसे फेस पर लगाइए, उसके बाद में आप अपने फेस पर कोई भी आप फेशियल ऑयल यूज़ करते हैं तो वो लगा लीजिए। मैंने यहाँ गुड वाइब्स का लिया है जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और टोनर मैंने वाव का लिया है जिसका मैंने इन सब का मैंने रिव्यू किया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। एंड ये मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही हूँ, ये भी गुड वाइब्स का कोकोनट का है, बहुत ही ऑसम है ये तीनों प्रोडक्ट। एंड ये प्रोसेस तो आपको फेस वॉश के बाद करना ही करना है, ठीक है, इसे बिल्कुल स्किप मत करना। एंड ये करने के बाद में आप बस आप फ्री हैं, अब आपका फेस बहुत ही अच्छा वाला हो गया है। एंड लिप बाम तो बनता ही है ना, ये मेरी पूरी ख़त्म हो गई यार, लिप बाम मुझे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और अभी तो हम ले ही नहीं सकते, ऑर्डर कर ही नहीं सकते, बाद में मंगवाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी फेशियल हुआ है एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अभी तक नहीं किया है तो सभी के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।